फिर सेमिस्टर स्टूडेंट्स तुम्हार फास्ट यूनिट फरासी राष्ट्र विप्लव तीनोटी चैप्टर गोटे पुरातन शासन पद्धति उपजीता संकट बौद्धिक जागरण एवं तृतीय चैप्टर था तुम्हार सामाजिक श्रेणी एवं लिंगगत संपर्क। तो बर्तमान आम देखा लिंगगत संपर्क, लिंगगत संपर्क कह आम कौन बुझा मुख्यतः पुरुष एवं नारी उभय कौन संपर्क थिला बा से समय फ्रांस समाज में नारी मानकर पुरुष मानक सहित समान अधिकार थिला कि बा पुरुष एवं नारी मध्य किभली संपर्क थिला। तो प्रथम आम देखा जदि वर्तमान आम देखा विंश शताब्दी नारी मानक विषय आम सविशेष बरणी पाचे फरासी राष्ट्र विप्लव नारी मानक कौन भूमिका थिला बर्तमान विंश शताब्दी लेखक मैंने लिखुं तेरे फरासी राष्ट्र विप्लव समय राष्ट्र विप्लव आरंभ होगा पूर्व एवं विप्लव समय नारी मानक भूमिका कौन थी मूलत आम जानू समाज नारी मानक अवहेलित कर रखा जाए बा नारी मैंने गृह चारिकोण से बंदी हो रही था कारण आम समाज हूँ पुरुष प्रधान समाज तेणु पुरुष को अग्राधिकार दि जाए प्रत्येक कार्य प्रत्येक पद पदवी पुरुष सुरक्षित रही था उच्च शिक्षा पुरुष रही था तेज जदि समस्त पद पदवी राजनैतिक सामाजिक अधिकार पुरुष मानक अग्राधिकार दिजा पुरुष मैंने समाज में प्राधान्य प्रतिष्ठा करेंगे तेरे नारी मानक योग्यता थी कहीं पुरुष मानक पक्षे रही तेरे जदि प्रथम आम देखा तो नारी मैंने फरासी राष्ट्र विप्लव समय फ्रांस रे से मानकर कर्तव्य थिला जे किभली भावरे समाने गृह कार्य करिवे एवं से मानकर स्वामी मानकर तथा संतान संतति मानकर कार्य करिवे बा जणे उत्तम माँ बा उत्तम पत्नी रो भूमिका समाने ग्रहण करिवे बा सेई भूमिका को समाने किभली भावरे निभाई पाइबे। तबे परवर्ती समय देखा गला जे केतक नारी क्लब नारी संगठन गठन होता जो मैंने प्रचार पत्र मध्यम नारी मानक अधिकार को दाबी करते तुम थे लुई दे जाइकट लुई दे जाइकट प्रथम चाहते जे समाज में जो रक्षणशीलता रही बा नारी मानक अग्राधिकार दि जाऊना यही रक्षणशील नीति को दूरीभूत करवा उचित एवं पुरुष मानक सहित नारी मानक समान अधिकार दिजा उचित तेणु तर जो वक्तव्य समर्थन करुले से ही समय दार्शनिक साहित्यिक लेखक मैंने आम जानचे जे मंटेस्क्यू वोल्टेयर रूसो से महान दार्शनिक थे जो मैंने फरासी मानक राष्ट्र विप्लव पाई मानसिक स्तर में प्रस्तुत करते तेरे जोबले लुई दे जाइकट से मंतव्य देते जे पुरुष मानक सहित नारी मानक समान अधिकार रहा उचित से ही समय दार्शनिक साहित्यिक लेखक मैंने मंतव्य को समर्थन करते समय सतरश अणानबे ख्रीष्टाब्दे निकोलस डी कंडोरसेट नामक आउ जड़े शिक्षित महिला निकोलस डी कंडोरसेट सतरश अणानबे जोबले फरासी राष्ट्र विप्लव आरंभ है से नारी मानक अधिकार को नहीं गोटे तथ्य पत्रिकार प्रकाश करते तेरे तर जो मंतव्य प्रकाशित होता नारी मानक प्रभावित करता जो मैंने शिक्षित थे जो मानक योग्यता थिला जो मैंने चाहूल समाज में से मानकर अधिकार को सब्यस्त करने से माने निकोलस डी कंडोरसेट कर प्रकाशित होता जो तथ्य ताद्वारा प्रभावित होते अधिकार को सब्यस्त करने चाहते तेरे आम देखा जे फरासी राष्ट्र विप्लव समय नारी मानक कौन के भूमिकार विशेष भाव से अवतीर्ण
ସେମାନେ ନାରୀ କ୍ଲବ ଗଠନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେଭଳି ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ତା ଅର୍ଥ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନାରୀମାନେ ଗୃହ କୋଣରୁ ବାହାରି ଆସି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଲୁଇ ଦେ ଜାଇକୋଟ୍ ନିକୋଲସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୀତିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଲବ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଦସ୍ୟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1799 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୁଲାଇ 14, 1799 ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୁଲାଇ 14, 1799 ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟିଥିଲା ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ବୋ ରାଜବଂଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠଧାରୀ ଶାସକମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରି ଯାଇ ବିନା ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏଇ 1799 ଜୁଲାଇ 14 ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ୟାରିସର ପୁରୁଷମାନେ ଭର୍ସାଇଲ ନଗରୀ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ସାଇଲ ନଗରୀ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭର୍ସାଇଲ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 12 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଇ ଭର୍ସାଇଲ ନଗରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେମାନେ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ରାଣୀ ମାରି ଆଣ୍ଟୋନିଓଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ଗୃହକୋଣୀ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ରମେ ମେରି ଲୁଇ ଦେ ଜାଇକୋଟ୍ ଏବଂ ନିକୋଲସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ପତନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେରି ଜିନ୍ କ୍ୟାରିଟାଟ୍ ଏବଂ ନିକୋଲସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ମେରି ଡି କ୍ୟାରିଟାଟ୍ ଏବଂ ନିକୋଲସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମେରି ଡି କ୍ୟାରିଟାଟ୍ ନିକୋଲସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ତେବେ ମେରି ଜିନ୍ କ୍ୟାରିଟାଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କୁଇସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତି ବା ସେମାନେ ନାରୀବାଦର ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁ ମାର୍କୁଇସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ସେ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲ ଗଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ ନାରୀମାନେ ଆସି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଯେଭଳି ଆମର ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଗୃହରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏଇ ମାର୍କୁଇସ୍ ଡି କଣ୍ଡର୍ସାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଟା ପାଣ୍ଡି ଏଲ୍ଡର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲ ନାମକ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଇଟା ପାଣ୍ଡି ଏଲ୍ଡର୍ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାରୀମାନେ
आगक आसी राजनैतिक दाबी बा सामाजिक दाबी पाई से प्रायतः से फरासी राष्ट्र विप्लव समय जिते पुरुष मैंने विप्लव करुले सामाजिक अधिकार पाई दाबी करुले से क्लब संगठन द्वारा दाबी को उपस्थापन करुले तेरे से ही समय देखाला जे विभिन्न क्लब मान गठन होता एवं केवल क्लब सदस्य से सोशल सर्कल सदस्य सोशल सर्कल सदस्य भाव प्रचार पत्र मान बंटन करुले षोड़श नईकर श्रेष्ठ चरिता विरुद्ध प्रचार पत्र बंटन करुले यह व्यतीत भिन्न भिन्न सभा समिति मान आयोजन करुले सभा समिति गुड़िक देखा दूसरा पुरुष मान सहित नारी मैंने सामान भाव आलोचन अंशग्रहण करुले तेणु आम इटा पांडी एल्डर जेकि सक्रिय भाव नेतृत्व नहीं सभा समिति अंशग्रहण करुले निजर मंतव्य दूसरे एवं नारी जागरण पर भूमिका अग्रगण्य था एवं शेषे आम देखा मेरी गुएज आमर सतरश अणानबे समय को आम देखे लुईज जैफर्ट निकोलस डिकंडरसन एम सतरश अणानबे ख्रीटाब्द समय को वक्तव्य रखिथिले सामाजिक अधिकार पाई दाबी करते सतरश नबे एकानबे समय को मेरी जीन कैरिसाट एवं मार्क्विस डे कंडरसेट एम सोशल सर्कल गठन करते नारी मान आगक आने चेष्टा कर सतरश बयानबे तेयानबे समय को देखाला जे मेरी गुएज जे आउ जड़े से समय शिक्षिता नारी थी उच्चिक्षिता नारी थी से चाहूले नारी मान दासत्व मुक्त करने दासत्व मुक्त करेंगे कारण से समय नारी मान दास भाव में रखा जा दासी भाव में रखा जा तेणु ये दासी भाव में रखार जो गोटे प्रथा था नारी मैंने दासी भाव में कार्य करते कहीं नारी मान दासी भाव में अवहेलित अवस्था रखा तेणु नारी मान दासत्व मुक्त कराऊ समाज में जो नारी मान दासी भाव में कार्य कर दासत्व मुक्त करेरी गुएज तर अभिभाषण देते वक्तव्य रखी सोशल सर्कल गठन होगा पुनर्बार आउ गोटे सामाजिक संगठन गठन होता जहाँ कह जाए सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन ये सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन का अर्थ आमर विप्लवी साधारणतंत्र संगठन नारी मानकर गोटे विप्लवी साधारणतंत्र संगठन तर्थ नारी मैंने विप्लवी भाव में चाहूल साधारणतंत्र तर्थ आम सामान भाव आमर अधिकार पाइ समाज में सामान भाव अधिकार पाइ तेरे यही भाव में मेरी गुएज जिते दासत्व को घृणा करुले दासत्व नारी मान मुक्त करने चाहूले संगठन मध्यम सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन द्वारा से वैप्लविक संगठन मध्यम नारी मान दासत्व दूरे रहा चाहूले यह सहित से नारी मान विप्लव करने शिक्षा दूसरे एवं फ्रांस राजतंत्र साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठा हो अभिभाषण रखिले आम जानचे फरासी राष्ट्र विप्लव जो पूर्ण राजतंत्र प्रतिष्ठित था आम सामाजिक कारण हो अर्थनैतिक राजनैतिक दार्शनिक कारण जिते सब कारण आम पढ़ले से सब कारण गुड़िकर आम एति जाने जे समाज में गोटे पार्थक्य रही श्रेणी श्रेणी मध्य राजतंत्र राजा स्वेच्छाचारी भाव में साधारण प्रजा मान अत्याचार करुले अर्थनैतिक दृष्टिकोण साधारण प्रजा मान अत्यधिक कर आदाय करनैतिक शोषण सम्राट स्वेच्छाचारिता विरुद्ध महान दार्शनिक मान साधारण प्रजा मान उत्साहित कर समय नारी जागरण हो जो नारी जागरण भिन्न भिन्न नारी नेत्री मैंने तुम्हार लुई दे जैफर्ट मेरी गुएज पर्यंत भिन्न भिन्न नारी नेत्री मैंने पुरुष मान सहित नारी मान सामान अधिकार दाबी करते
पुरुष मान सहित नारी सामान भाव क्लब गठन करने सभा समिति आयोजन करने प्रचार पत्र बांटा ठू बास्तरी दुर्ग पतन एवं भर्साइल प्रसाद को यात्रा करवा सब कार्य भूमिका ग्रहण करेबे से प्रतिपादन करते जे समाज रु वैषमता दूर हो पार्थक्य दूर हो समाज में गोटे जातिर मनुष्य रुहतु से फरासी जाति तेणु राजतंत्र को विलोप कर साधारणतंत्र प्रतिष्ठा करने नारी मानकर से समय ध्वनि रही नारी मैंने प्रतिवाद करुले स्वच्छाचार्य तंत्र शासन को एवं से चाहूले राजतंत्र लोप हो साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठित हो तेरे ए समुदाय नारी जागरण व नारी मानक संपर्क विषय आम जानापर आम देखा जे से सामाजिक अधिकार किसी पाइले पूर्वर संपत्तिगत अधिकार नाला संपत्तिगत अधिकार पाइले किंतु से राजनैतिक अधिकार दि जा ना सत्वे भोट देवार अधिकार निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करार अधिकार राजनैतिक अधिकार से दि जा ना किंतु से सामाजिक अधिकार दि जा संपत्तिगत अधिकार दि जा ना तेरे यूर आम जाने जे लिंगगत दृष्टिकोण पुरुष एवं नारी मध्य फरासी राष्ट्र विप्लव समय किसी परिमाण समानता आसी पार नारी जागरण द्वारा नारी मैंने भूमिका व स्थित को सुदृढ़ करे तुम गला गोटे यूनिट एवं ए यूनिट रु तुम भिन्न भिन्न प्रश्न हो पार जो प्रश्न गुड़िक तुम बहरे अच्छी तुमको जो पीडीएफ पठेबी से पीडीएफ तुम्हें से प्रश्न पाइपर तेरे से तुम्हें राजनैतिक अर्थनैतिक कारण विषय गोटे क्वेश्चन पाइब फरासी राष्ट्र विप्लवर राजनैतिक अर्थनैतिक कारण आलोचना कर डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन किंबा से समय डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बा फरासी राष्ट्र विप्लवर बौद्धिक कारण वर्णना कर किंबा सामाजिक कारण फरासी राष्ट्र विप्लव समय सामाजिक कारण उल्लेख कर डिस्क्राइब द सोशल कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लास्टली that give an estimate of the role of women during French Revolution. Tartha, Parasi Rashtra Viplava Samayare, Nari Manakara Bhumika Vishare, Ullekha Karo Vani Nirnaya Karo. Tabe, Vartan Tumar Gota Unit Sarla, I will have to start another unit in the coming class.